आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। मैडम आपका नाम? ममता त्रिपाठी, इंदरपुरी डीजी इंदरपुरी। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपनी आशा बहनों के यहाँ हड़ताल में लेके आए हैं सबको। हम ये चाहते हैं कि जो आशा वर्कर 9 साल से काम कर रही हैं, हर एरिया में काम कर रही हैं, तो उनकी सरकार बस आशा के नाम से जान रही है, उसका काम नहीं देख रही। इसलिए हमको सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, बस 3 मांगे हैं हमारी। हमारी 10,000 सैलरी करे, निम्न वेतन होनी चाहिए हमारी 10,000। दूसरा हमारा है कि हमारा भी पीएफ करना चाहिए। और तीसरा है हमारा डॉक्टरी खर्चा, जो भी होता है हमारे परिवार का जो भी खर्चे आते हैं, हमारे डॉक्टरी खर्चा चाहिए। और उससे उसके बाद जो भी हमारी सरकार हमारे लिए काम देती है, उसको हम बड़े ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ये 3 मांगों को पूरा करे, जिसके कारण हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। आप भी कुछ कह रही हैं? आपका नाम? मेरा नाम सरोज है, मैं इंदरपुरी से हूँ, आशा वर्कर। जब आपको यहाँ आशा वर्कर में काम दिया गया था, तो क्या कैटेगरिया रखी थी? आपको क्या क्या काम बताए थे कि आपको ये काम करने पड़ेंगे? जब हमें आशा वर्कर में रखा गया था, तो हमसे ये कहा गया था कि सिर्फ आपको क्या काम करना है, बस यही करना है कि लोगों को घरों से लेके आना है, बाकी और आपका कोई काम नहीं है। लोगों को घर से लेके आना है? हाँ, मतलब लोगों को, पेशेंटों को घर से लेके आना है, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना है, लोगों को जानकारी देनी है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है। धीरे धीरे हमारा इतना काम बढ़ा दिया कि हम रजिस्टरों में घुस गए। उसके बाद में तो बस आज आए दिन ये सर्वे वो सर्वे, हमसे जितना हमें काम करवाते हैं उतना हमें पैसा मिलता नहीं है। काम हमारे पास ज़्यादा है, पैसा कम है। जब मर्जी पेशेंट फ़ोन कर देता है, आ जाओ जी हमारी डिलीवरी होने वाली है, आ जाओ जी मेरे बच्चे को बुखार हो गया मैडम बहुत तेज़, या पैर में सूजन आ गया, क्या करें। तो ऐसे में हम लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, सब्जी बना रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, छोड़ देते हैं, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं अभी आपको देखने के लिए आ रहे हैं, हम लोग जाते हैं। जब हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें पैसा भी मिलना चाहिए। चलो समाज सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा ही है उसके साथ साथ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे को बिल्कुल ही आप लोग वो कर दो, है ना। कहाँ तक समाज सेवा करेगा, समाज सेवा ही है। रात में भी हम लोग निकल जाते हैं डिलीवरी के लिए, अगर 6 बजे घर से निकले तो पूरी रात लग गई हॉस्पिटल में रहे, सुबह निकले तो शाम का पता नहीं है, शाम को निकले तो रात का पता नहीं है, होता भी ऐसे ही है। कई दफ़ा हम फंस भी जाते हैं बुरी तरह से, घर वाले घर से फ़ोन कर रहे हैं, हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं कहाँ पे हो, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे बेचारे अलग परेशान हो रहे हैं, हम अलग परेशान हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखो ना, हमें पैसा मिलना चाहिए जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं।